हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों में नींबू का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, नींबू पानी पिया जाता है, नींबू को सैलेड में यूज किया जाता है। लेकिन नॉर्मल इंसान को तो पता होता है कि नींबू हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नींबू काम क्या करता है, हमें एकदम से एनर्जी देता है और गर्मियों में हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले कि प्रेग्नेंट महिला की, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को हर चीज़ को ध्यान से लेने की ज़रूरत होती है खाने पीने की, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला की छोटी सी गलती बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आप नींबू का यूज कर सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं और कितना पी सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन कर लें। उससे क्या होगा, जब भी मैं चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप मेरी वीडियो डेली देख सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, नींबू एक ऐसे ड्रिंक है जो आपको एकदम से एनर्जी देती है और गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में नींबू पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, प्रेगनेंसी में अगर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हम आयरन की कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं जिससे बहुत सारी महिलाओं को कब्ज़ की समस्या हो जाती है और हमारा जो सिस्टम होता है पचाने का, पाचन क्रिया होती है, वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको कब्ज़ रहती है, आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, तो आप डेली एक गिलास नींबू पानी ज़रूर पीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके टॉक्सिन होंगे सारे बाहर निकल जाएंगे, साथ ही आपकी पाचन क्रिया सुधर जाएगी और आप जो कब्ज़ समस्या रहती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। सेकेंड चीज़ होती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और हमें जो छोटी छोटी बीमारियां होती है जल्द लग जाती है, जैसे संक्रमण, फ्लू वगैरह, बुखार हमें जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए आपको, इससे बचने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको डेली एक गिलास नींबू पानी ज़रूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और जो आपके छोटे मोटे जो ये संक्रमण होते हैं इससे आप फटाफट से बच जाते हैं। नेक्स्ट फ़ायदा क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा नींबू के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बच्चे के हड्डियों के विकास के लिए और साथ ही आपकी हड्डियों के लिए मजबूती देने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप डेली बेसिस पर एक गिलास नींबू पानी जरूर लें। इसके साथ ही जो बच्चे की माइंड की जो कोशिकाएं होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आपको डेली बेसिस पर एक गिलास नींबू पानी जरूर पीना चाहिए। नेक्स्ट फायदा होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा प्रेगनेंसी का सबसे मुश्किल दौर होता है हमारा डिलीवरी का टाइम। अगर आप डेली बेसिस पर एक गिलास नींबू पानी पीती है तो उससे जो आपका लेबर टाइम के आपको जो पेन होता है उसको कम किया जा सकता है। आप पांचवें महीने के बाद नौवें महीने तक नींबू पानी पी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्टार्ट पांचवें महीने से करना है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट नींबू का यूज नहीं करना, मतलब आपको नींबू पानी के अंदर मिलाकर पी सकते हैं, आपको डायरेक्ट नींबू को चूसना नहीं है या डायरेक्ट आपको नींबू का यूज नहीं करना है। और आपको अगर आप लेबर पेन को आसान बनाना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर एक गिलास नींबू पानी और उसके अंदर एक चम्मच शहद डालकर पीजिए, आपका जो लेबर पेन होगा वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट फायदा होता है, आपकी फूड क्रेविंग को रोकता है। आप सभी को पता है प्रेगनेंसी के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है, कभी खट्टा खाने का मन होता है, कभी तीखा खाने का मन होता है, इसके चक्कर में हम हेल्दी अनहेल्दी चीज़ों को भूल जाते, सब कुछ खाने लग जाते और इससे कई बार हमारा वेट गेन भी हो जाता है और कई बार अनहेल्दी चीज़ें खाने से हमारे बच्चे का वजन भी कम रह जाता है। तो अगर आप इन फालतू की क्रेविंग से बचना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पर एक गिलास नींबू पानी ज़रूर लेना चाहिए। ये तो बात होगी प्रेगनेंसी के दौरान नींबू के पानी के पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नींबू पानी पीने के नुकसान क्या होते हैं। तो आज आप सभी को पता होगा कि नींबू के अंदर एसिड होता है और एसिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अगर आप लास्ट के महीनों में नींबू पानी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे वजह से आपको सीने के अंदर जलन हो सकती है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली बेसिस पर सिर्फ एक गिलास ही नींबू पानी पीना चाहिए। वैसे आप जैसे सलाद वगैरह
वगैरह होता है उसके ऊपर भी नींबू को निचोड़ कर ले सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, सुबह खाली पेट आपको नींबू पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वेट लॉस के लिए आपको नींबू पानी सुबह खाली पेट जरूर पीना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप खाली पेट नींबू पानी पीते हैं तो एसिड बहुत ज़्यादा पेट में बढ़ जाता है, जिससे सीने के अंदर जलन हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप दिन के टाइम में, खासकर आप दोपहर के टाइम पर एक ग्लास नींबू पानी जरूर पीजिए। एक ग्लास से ज़्यादा नींबू पानी मत पीजिए, उससे फिर क्या होगा, आपको उसके फायदे मिलने की बजाय नुकसान मिलने लग जाएंगे। तो भाई अब आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको नींबू पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और साथ में आपको कैसे नींबू का यूज करना चाहिए, डायरेक्ट नींबू नहीं यूज करना है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।